नमस्कार दर्शकों, मैं पूजा दीक्षित और आप देख रहे हैं मंडल न्यूज़। अभी हम मड़ोई मैडम के साथ फील्ड पर आए हैं। आमतौर पर सुबह का वक्त है और हम हमारे घरेलू काम करने में बिजी होते हैं, पर उसी दूसरी तरफ हमारे शहर की गंदगी साफ करने के लिए, हमारे शहर को साफ करने के लिए मड़ोई मैडम फील्ड पर उतरी हुई है। तो चलिए हम उनसे ही बात करते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह आज काम पर? हाँ, अभी इतना काम ही इतना है तो दोपहर से शुरू करें तो कम पड़ता है, इसलिए हमने सुबह से स्टार्ट कर दिए। और ये यास्मीन नगर से बहुत कंप्लेंट्स आ रहे थे तो इसके लिए वजह से हमने अभी ये यास्मीन नगर से काम स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब इधर का जितना भी होएगा आज ये कर लेंगे। ओके, तो आपके लिए यही कहा जाता है कि मैम ने अभी तक के जो काम किया है आपने, सबसे बेहतरीन काम है आपके, सभी आप लोगों की बहुत ही प्रशंसा कर रहे हैं। थैंक यू। नहीं, लोग बहुत कोऑपरेट और अप्रिशिएट कर रहे हैं तो अच्छी बात है कि इसकी वजह से हमारा काम करने में उत्साह बढ़ेगा और जल्दी काम और अच्छा काम होगा जी। तेरा बारिश का मौसम है जहाँ पर पहले ही सब कुछ चीज़ें हो जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं लेट हो रही है। दो देर आए दुरुस्त है। स्टार्ट करें, जहाँ से स्टार्ट करें वही अच्छी बात है। अभी पहले की बात, सॉरी पता नहीं, मैं थी नहीं, जब से मैं आई हूँ तो मुझे जो दिख रहा है तो बन कर है जी। तो चलो कोई बात नहीं, देर हुई तो भी हो जाएगा काम। कल आपने 353 लोगों की फिर से इधर से उधर अदला बदली कर दिए, उसके बारे में क्या कह रहा? नहीं, वही ना मैंने आपको बताई थी कि काम, मतलब एक जगह रहने से वो आदमी कैसे काम करने से रुक जाता है या फिर उसकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है या बंद हो जाती है। दूसरी जगह जाने से चैलेंजेस बढ़ते हैं और ये तो मतलब प्रशासन का प्रोसेस ही है, ट्रांसफर तो होती है। तो मेरी ट्रांसफर आप देख रहे हो ना, 16 साल में मेरी 18 ट्रांसफर है। वैसे भी अच्छे लोगों को एक जगह पर टिकने कहा देते हैं। हाँ, शायद मैं पूरा महाराष्ट्र घूमूँ, महाराष्ट्र में काम करूँ, ये शायद इच्छा है सबकी, तो इसलिए मैं घूम रही हूँ। पर ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक के जो इतिहास में, अपने मनपा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतने जल्दी में लोगों की इधर से उधर ट्रांसफर की जा रही है। जल्दी भी नहीं है, बहुत दिन से हुआ नहीं है, तो मैंने आए बराबर जो काम करना है वो शुरू कर पेंडिंग काम आप पेंडिंग काम मैंने ये कर दिया स्टार्ट। तो आज यास्मीन नगर में है तो यहाँ पर क्या क्या कर रहा है? नहीं, इधर ये तो ये नाली है, आजू बाजू अतिक्रमण, और ये सर बोल रहे थे उधर कोई नाली चौक पे, चैम्बर चौक पे, और लोगों की दुकान में, घर में पानी जा रहा है, तो सब नाली आज हम क्लियर कर देंगे। आज पूरा नाली क्लियर हो जाएगा। आज यही एरिया है और भी एरिया? आज ये होने के बाद ऑफिस में भी काम करना पड़ता है ना, मेरे पास स्वच्छता छोड़ के बाकी जो डिपार्टमेंट्स है ना वो फिर वो पीछे रह जा रही है स्वच्छता की वजह से। इसके लिए अभी हमने जल्दी से स्टार्ट कर, मतलब सुबह से स्टार्ट, आज थोड़ा लेट हुआ, मैं घर गई थी तो निकल से और जल्दी से कर देंगे स्टार्ट। तो और एक पूछना चाहोगी क्वेश्चन, 30 तारीख को बीती रात जो कार्रवाई की गई उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? कौन सी कार्रवाई? पंचशील ध्वज निकाला गया, उसके बाद में शिव जी की पिन निकाली गई, वो जो धार्मिक, मतलब अवैध धार्मिक स्थल के इसमें जो भी है ना शासन की जो भी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से वो अवैध धार्मिक स्थल निकालने के लिए वो कार्रवाई की गई थी, बस बीती रात करी गई। 12 के बाद 12:30 अभी क्या है, मतलब लोगों का थोड़ा सा रोष बढ़ता है या कुछ होता है, फिर ऐसे इसमें सेंसिटिव मैटर में शायद ऐसे स्टेप लेनी पड़ती है कभी कभी। चलिए आपके काम के साथ बात करते हैं। हाँ चलो। अरे जैसे भी क्यों ना, चलो। एक्शन मोड में नजर आई मनपा आयुक्त माधुरी मड़ावी। दबंग लेडी लेडी सिंघम के नाम से चर्चित हमारे अमरावती के उपायुक्त माधुरी मड़ावी आज यास्मीन नगर में स्वच्छता तथा अतिक्रमण विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। सुबह 10 बजे से कार्रवाई की शुरुआत की गई। नाली की साफ सफाई तथा नाली पर किया गया बांधकाम और अतिक्रमण पर चलाया गया बुलडोजर। आज तक पश्चिम क्षेत्र में कोई अधिकारी की भेंट नहीं हुई थी, ऐसा वहां के नागरिकों का कहना था, पर आज से पश्चिम क्षेत्र का विकास कहीं ना कहीं शुरू हो गया है, ऐसा नागरिकों की प्रतिक्रिया थी। मेरा नाम जमीर सिकंदर है, मैं गुलिस्तान नगर का रहवासी हूँ। जो कितने भी साल से रह रहे हैं? मैं लगभग यहाँ पे, मेरे को 17-18 साल हो गए। मुझे ये बताइएगा कितने सालों बाद यहाँ पर कोई अधिकारी आया और साफ सफाई? ये पहली मैडम है जो कार्रवाई बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, मैं इनके फेवर में हूँ। मैं इनके साथ नुकसान मेरा भी हुआ है, मैं मगर जो सच्चाई है वो बात करूंगा। ये मैडम अच्छी है, ये मैडम ने कार्रवाई जो करे हक कार्रवाई करे, और अच्छी बात है साफ सफाई जितना रहेगा उतना एरिया भी साफ रहेगा। पहला अधिकारी है जिन्होंने कार्रवाई करे, मैं मैडम को सल्यूट मारता हूँ, सलूट करता हूँ कि नहीं हकीकत में मैडम है मेरा, उन्होंने सुने नहीं। हालांकि मैं भी उनसे वॉइस करा कि मैडम थोड़ा मुझे टाइम दीजिए उस कुछ काम के लिए, मगर मैडम ने जो काम करना वो करे, मैं उसके फेवर में हूँ, जो हक है वही बात करूंगा। किसी की सुनावनी नहीं है? नहीं, किसके पास, किसकी भी नहीं। और बहुत परफेक्ट मैडम, और ऐसे लोग होना अधिकारी जो लोग है, ऐसे लोग अगर रहेंगे तो एरिया भी सुधार होगा और शहर का भी सुधार होगा। ऐसा अधिकारी हमको पहली बार देखने को मिला,
मैं तो लगभग 20 साल हो गए, ऐसी कार्रवाई पहली बार हुई यहाँ। आप चाहते हैं मैडम हमेशा ही हमेशा रहना चाहिए और अच्छी मैडम है, मैं इसके फेवर में हूँ मैडम के। हमारा नुकसान भले ही हुआ हो पर आज से विकास की शुरुआत हुई है, हम बहुत खुश है, ऐसा रहीवासियों ने कहा। पर ये पहला अधिकारी देख रहे जो एरिया को सुधार लाने की, हमको भी जैसा एक आश्वासन होगा कि भैया काम हो रहा अपना, क्योंकि अभी तक के पूरे गलाडे में पड़ा था एरिया, और आज जो काम हो रहा ये पूरे हम सब जितने लोग हैं पब्लिक है सब मैडम के साथ है जी। आपको लगता है ये काम जो मैडम कर रही है एक महिला रह के इतने बड़े एरिया में आके कर रही है? आज तक के कोई अधिकारी आया नहीं ना इधर, झांकी मेरे नगर सेवक के बाद में ठेकेदार भी आए, सब आए, पर जो आए सब ऐसे आए, पर जो काम अब हो रहा वो हम उसमें सब पूरी पब्लिक भी खुश है, पूरे लोग खुश है, चाहे हमारा नुकसान हो तो चलेगा पर काम होना। नुकसान हो रहा है पर आप? हाँ जी हाँ नुकसान हो रहा है, जो दुकानें वगैरह गरीब हो गए चलेंगे हमको, पर विकास भी हो रहा हमारा, हम इसमें खुश है। नुकसान का क्या है, नुकसान हो रहा है तो फायदा भी होगा ना। जब गवर्नमेंट का कर्मचारी आज पहली बार आया गली के अंदर, अभी तक के कोई नहीं आया, कोई नहीं आया अभी तक के। हाँ आप आए, आप कौन है, वीडियो वाले है कि मीडिया वाले है तो वो पता नहीं, बना आए अच्छा लग रहा है। हम लोग आए मैडम लोग आए, पर अभी तक यहाँ पर जैसा बहुत तकलीफ का ही काम जैसा, अभी अच्छा लग रहा है जो काम हो रहा है। तो दबंग लेडी आई है और रिजल्ट भी सब आप लोगों के सामने है और आपके सामने भी है, ऐसी कार्रवाई कभी हुई नहीं यहाँ पे। सुबह से सबकी वाट लगा के रखे है और बहुत इंजॉय भी हो रहा है, क्योंकि अब हमारे जो एरिया का है वो सब विकास होने वाला है। अभी तक होता, हाँ अभी तक तो होता नहीं था, होता था मगर जो भी आता था हाओ नहीं हो जाएगा बस ऐसे लोग आते थे, मगर अभी ऐसी लेडी आई हुई, ऐसी दबंग लीडर है हमारे बीच में खड़ा हुआ, एकदम तूफान जैसा आया है और तूफान जैसा काम भी कर रहा है, तो ये सब बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे एरिया का विकास हो रहा है, तो थैंक यू सो मच मैडम, मैं मैडम को सल्यूट करता है, इसी तरह काम बनाए रखे और मैं चाहता हूँ ये मैडम हमारे बीच 2-3 साल और रहे। जहाँ 2-2 साल तक सफाई कामगार नाली साफ करने नहीं पहुँचते थे, वहाँ आज बुलडोजर द्वारा नाली की सफाई की गई, साथ ही नाली का कचरा और मलमान निकाला गया और उसी समय वहाँ से कचरा भी उठवाया गया। कार्रवाई करते समय मड़ावी मैडम की वहाँ के रहवासियों से तूतुमैमे भी हुई, पर वह अपना कार्य अपने हिसाब से करती रही। कार्रवाई करते समय उन्होंने अनेक लोगों को फटकार भी लगाई। आप अगर बुलडोजर नहीं लगाते तो 5 फुट की नाली आज निकाल लेते आराम से। आप वीडियो क्यों नहीं ले? वीडियो तो लेना ही पड़ेगा ना, बिल्कुल नहीं। आपसे क्या बात कर रहे, क्या बात नहीं कर रहे? क्यों और हमने आदमी से निकालो नाली या जेसीबी से निकालना, ये क्यों? जेसीबी से अगर आप नाली निकालोगे तो वो तो नाला बन जाएगा ना, वो हम करते वो तो घर टूट गया ना, टूट गया थोड़ा, हमने वो लगा दिया बीच में। कुछ लोग आज हुई अचानक कार्रवाई का विरोध भी करते नजर आए, नागरिकों को पहले नोटिस नहीं दिया ऐसा भी कुछ लोगों का कहना था, या फिर थोड़ा मोहलत भी दिया जाए ताकि वह अपना सामान उठा सके, ऐसा मड़ावे मैडम से कहा गया, पर मैडम अपने कार्यों को करती रही। वही वहां पर मानवाधिकार के भी कार्यकर्ता घटनास्थल पर आए थे, उनका भी कार्यवाही को विरोध दिखाई दिया। मैं तो 9-10 महीने से ये समस्या को लेकर चल रहा हूँ, लेकिन इधर कोई अधिकारी आती नहीं, इसलिए इधर गंदगी है, अतिक्रम भी इसी वजह है, थोड़ा थोड़ा अतिक्रम है, इधर ज़्यादा अतिक्रम है नहीं। अब लोगों के घर की समस्या है, जो समस्या है वो हल होना चाहिए, तो समस्या तो हल नहीं हो रही, दूसरी समस्या हल हो जा रही है। कौन सी समस्या? मुसीबत बढ़ जा रही है, अब घर के पाइपलाइन टूट जा रहे हैं पानी के, घरों के सामने नाली जरासी नाली है तो उसको बड़ा नाली कर दे रहे हैं, यानी किसी को परमिशन नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, किसी को नोटिस दिए गए इधर किसी को आतिकरा मारा करके। लोग तो जनता तो यहाँ की खुश है, मैडम आए हैं पहले बार कोई आया है अधिकारी काम करने के लिए, उसके लिए तो हम भी खुश है, लेकिन काम पद्धति होना चाहिए, तरीके से होना चाहिए, हमारा बोलना ही है। हम भी मैडम के साथ में हैं, हम मैडम से अलग नहीं हैं, हम तो मैडम तो पगार लेकर काम कर रही है, हम तो बिन पगार के काम करते हैं, 24 घंटे हमारा इसी यही काम रहता है, और हमारा एक प्रभाग का एक वार्ड का काम नहीं होता, हम तो पूरे शहर का काम करते हैं। उस टाइम जो है तो नगर सेवक ने और कुछ लोगों ने गड़बड़ी करके वो मेरे प्लॉट के अंदर से उस नाली को डाल दिया था, उस टाइम जो है तो लोगों की तकलीफ की वजह से हम लोग ने नाली बनाने दिया था,
लेकिन हमारे पास इसकी जो है तो खरीदी है, ये प्लॉट की कागजात पूरे हैं मेरे पास में इसके। ये एरिया में सिर्फ मेरा ही ऐसा एक प्लॉट है कि मेरे पास में इसकी पूरी खरीदी है, बाकायदा गवर्नमेंट से है। और मेरा प्लॉट जो है तो आगे तक के, लेकिन लोगों की सुविधा के लिए और पार्किंग के लिए जो है तो मैंने ये मेरा प्लॉट अंदर से बनाया, और वो जगह देखकर जो है तो इन्होंने नाली मेरे प्लॉट के अंदर घुसा दी। तो मैं प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि इसके ऊपर थोड़ा रोकथाम की जाए, सोचा जाए, पहले मेरे कागज़ देखे जाए। अगर मैं गलत साबित होता हूँ तो आप जो है तो मेरे सामने का नाली के ऊपर जो आपको रपटा दिखाई दे रहा है आप उसको तोड़ सकते हैं, ऐसी मेरी विनंती है। साफ सफाई के साथ ही मौके पर फवारनी भी की गई। कार्यवाही करते समय मड़ावे मैडम के साथ स्वच्छता विभाग तथा अतिक्रमण विभाग भी मौजूद था। इस समय अतिक्रमण विभाग के प्रमुख योगेश कौल ले, श्याम चावरे, सहायक आयुक्त विवेक देशमुख, सहायक आयुक्त भूषण पुसतकर, वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर अजय जाधव, ज्येष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक राजेश राठौर, सफाई कामगार, स्वास्थ्य निरीक्षक आदि भी उपस्थित थे। अभी हमने अभी देखा कि आप अकेले हो, आपको पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं है। इतनी जरूरत नहीं, मुझे लगती जरूरत नहीं है, क्या कर लेंगे, कोई कुछ नहीं करता, हम काम ही करने आए ना, अगर कुछ करता तो बाद में देखते हैं, बाद में देखेंगे। अभी नागरिकों के ओर से हमने देखा कि लोग चढ़ के आ गए, गाली गलौज करना, ये भी होता है, ये अक्सर आपको इसका सामना करना पड़ता है। ये तो चलता है, जिनको अभी वो हम अच्छे से निकाल रहे थे, वो पानी अच्छे से निकलता था, रोड पे पानी आता नहीं था, लेकिन वो एक आदमी खुद के लिए करा, और ये बाकी ये लीडर लोग उनके सामने ये कर रहे हैं, बेचारे दो, उन्हें तो ऐसा कभी होता नहीं, अगर खोदते ऐसे बराबर तो पानी बराबर इधर बाजू जाता है, वो रोड पे आता नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, फर्क नहीं। बहुत से मानवाधिकार का भी एक इंसान यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे लोगों से हमेशा ऐसे आते जाते बहुत इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। इन लोगों का सामना कैसे करते हैं? वो तो जैसे आपने देख लिया अभी, एक्शन मोड हमेशा ही ना, मैं ऑलवेज इन एक्शन। नागरिकों की तरफ से आपको कैसे कैसे प्रोत्साहन साथ मिलता है? नहीं, नागरिकों की तरफ से हमेशा साथ मिलता है, अभी ये थोड़ा को भी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर अज्ञान की वजह से ये सब होता है। जब ये अच्छे से निकालेंगे ना पानी, जब इधर से जाएगा तो ये खुद ही आएंगे, बोलेंगे कि ये थोड़ा वाइड कर दो, हमारे रास्ते पे पानी नहीं आएगा। आज सुबह से मैडम के साथ में हूँ, अभी लगभग 1 बज रहा है, अभी भी काम शुरू ही है। लोगों की प्रतिक्रिया भी हमने लिए, लोग मैडम के काम से बहुत खुश है। चलिए तो अब मैडम से बात करते हैं, अभी हम लोगों की प्रतिक्रिया लेके आए, आपके काम से बहुत खुश है और चाहते हैं कि आप हमेशा अमरावती में रहें हमेशा, ठीक है। और आपको आज काम करने में क्या दिक्कतें आई है? कोई दिक्कत नहीं, आप पे तो देख रहे सुबह से, मुझे तो दिक्कत ही दिखी आप। नहीं, मुझे वो दिक्कत नहीं लगती, चलता ऐसा हमेशा होता रहता है, लोगों को इतना नॉलेज नहीं ना, और फिर कोई किसी को लगता है कि हमने जो किया वो अच्छा है, अतिक्रमण भी सबको लगता है कि हम हमारा हक है, वो चलते रहता है, इतनी इसकी कोई दिक्कत नहीं। एक आपके काम का हमको बहुत एक्शन मोड में तो आप हमेशा रहते हैं, एक चीज़ और पसंद आई हमें, आप गंदगी निकाल रहे हैं, गंदगी लगेज उठा के लेके जा रहे हैं। तभी कब तब उठाएंगे तो कोई मतलब है ना, नहीं तो इधर से गंदगी निकाल के उधर डालो, गंदगी गंदगी ही रहेंगे। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, अभी अपन ने ये रोड का वगैरह जो एरिया बहुत सा आपने निकाला है, फिर वो साफ करने के लिए बहुत सी चीज़ें ऐसे डेंजरस हो जाती है, छोटे बच्चे देखते हैं, महिलाएं नहीं, ये फिर अभी बांधेंगे ना नाली जो जहाँ टूटी है। अच्छा, वो तो बांधेंगे, अभी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, अभी बांध का विभाग को हम रिपोर्ट भेज देते हैं, वो बांध देंगे। अच्छा, क्योंकि ये तो इमरजेंसी, नाली निकालना भी जरूरी है तो नाली बांधना भी जरूरी है। जी बिल्कुल। एक हमारे अमरावती में फिलहाल बहुत विषय चर्चित है और जिसके लिए बारह निवेदन भी दिए जा रहे हैं, जो भटके लोग रहते हैं, जो हमारे म्यूनसिपैलिटी के सामने भी है, उनके लिए क्या करें? अभी तो 2-3 दिन में आप देख लेंगे, वो कार्रवाई भी हो जाएंगी, क्योंकि अभी कोटनाके सर और वो रीता मैडम है जी, हम तीनों मिलके वो अभी हमारा एक्शन प्लान रेडी है, 2-3 दिन में हम उनको पूरा मतलब परमानेंटली वहाँ से हटा देंगे। आगे के प्लान क्या है आपके अमरावती को लेकर? आगे के तो यही कदम नहीं हो रहा, अभी क्या प्लानिंग कर मतलब अभी जहाँ जहाँ अतिक्रमण है और जहाँ अच्छी जगह है वहाँ अतिक्रमण निकाल के वृक्षारोपण करके ब्यूटिफिकेशन करने के सब प्लान है, लेकिन अभी देखना पड़ता है क्योंकि मेरे पास तो उद्यान भी है और ये भी है, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जो इमरजेंसी वर्क है जो बहुत ज़रूरी है उसी में बहुत टाइम जा रहा है, तो ये सब होने के बाद फिर अक्टूबर नवंबर के बाद फिर ब्यूटिफिकेशन करेंगे। अभी तो लोगों ने हमें ये कहा कि 25 साल हो गए, 15 साल हो गए, कोई अधिकारी आया नहीं, आया है तो दबंग लेडी आई है हमारे साथ
लोग आपके काम से बहुत खुश हैं। थैंक यू, अच्छा लगता है लोग खुश है या फिर कोऑपरेट कर रहे हैं, अच्छी बात है। बढ़िया, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्रवाई के बाद, आप लोगों ने किस तरीके से कार्रवाई की और आगे किस तरीके से कार्रवाई? नहीं, अभी जो देखा ना, यहाँ जो नाली पैक थी वो उन्होंने अतिक्रमण करा था, उसकी वजह से टोटल नाली पैक थी। अभी ये खोलने के बाद पानी पूरा निकल जा रहा है और लोगों की ये परेशानी थी कि वहाँ जो पानी है नाली का वो सीधा रोड पे आता है, और अभी बारिश है इसके लिए वजह से नहीं, तो हमेशा यहाँ पानी आता है, तो फिर वो नमाज़ के लिए वगैरह लोग जाते हैं तो उनको दिक्कत होती है। तो अभी ये ऑल क्लियर हो गया है तो शायद रास्ते में पानी नहीं आएगा, तो लोगों की सुविधा हो गई तो अच्छा लग रहा है कि चलो अच्छा काम हो गया। बिल्कुल, यहाँ पर ट्रैफिक का भी बहुत, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, काम को देखने के बजाय लोग आपको देखने के लिए बहुत लोग आ रहे हैं। हाँ, मुझे पता है, सब बोलते हैं कि आपको देखने के लिए आ रहे हैं, अच्छी बात। बहुत लोगों का यह है कि कौन सी लेडी है ऐसी, कौन है बाबा, और आई है जो इतनी साफ सफाई की और ज़्यादा ध्यान दे रही है, तो अब लोगों को क्या कहना चाहिए? लोगों को यही लोगों से कहना कि अगर आपने किसी ने अतिक्रमण करा है नाली पर या आजू बाजू में, जिसकी वजह से गंदगी होती है, और अभी बारिश के दिन है तो बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, अगर अतिक्रमण करा है तो आपने निकाल लेना अपने ऐसे, तो आपका कोई डैमेज नहीं होगा, वो नगर परिषद के भी नाली को या बाकी जगह की डैमेज नहीं होगा, तो आप ही का पैसा है जो हम खर्च करते हैं, तो बचेगा तो सबने साफ सफाई रखना, दो घंटा गाड़ी सॉरी दो डस्टबिन में अलग अलग कचरा जमा करना और हमारे घंटा गाड़ी में देना, अगर घंटा गाड़ी नहीं आती है तो कॉल करो हर किसी को, या फिर वो नहीं आपको रिसीव कर रहे तो मुझे कॉल करो, मैं आपकी प्रॉब्लम हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आपकी सहयोग से, अपना अमरावती शहर पर स्वच्छ। बिल्कुल, ये कार्रवाई कितने बजे तक चलेगी अब आगे? अभी ये देखिए जहाँ तक है करके फिर बाद में जाएंगे। अच्छा, मतलब वो मुझे रहना जरूरी है, उनको डायरेक्शन भी देना पड़ता है कि ऐसे करो वैसे करो, तो इधर उधर नाली चली जाएगी। ओके, तो और एक क्वेश्चन था महत्वपूर्ण, आज तो आपने किया, बहुत से बार ऐसा होता है कि आज करके गए फिर भूल गए, ऐसा तो नहीं होगा? नहीं नहीं, अभी तो हमने परसों से शुरू करे हैं, तो जो सुबह का जो टाइम है जो 8 बजे 9 बजे का, अभी वही कंटिन्यू करेंगे, तो फिर फर्स्ट हाफ में नाले सफाई, फिर सेकेंड हाफ में ऑफिस का। लोगों की सुनवाई नहीं है, बड़ा रहे छोटा रहे गरीब रहे उसमें क्या है, किसी की सुनवाई ही नहीं है आपके पास, तो क्या करना है? काम है तो काम है, अभी ये बोलेंगे कि मत करो, दूसरा बोलेंगे करो, तो ये देख के पोजीशन देख के अपने को डिसीजन लेना पड़ता है कि लोगों के हित के लिए कौन सा जरूरी है, तो उस हिसाब से काम करें। धन्यवाद मैडम हमारे समय देने के लिए। आज हमारे साथ मड़ावी मैडम थे, हम सुबह से आज हम मड़ावी मैडम के साथ फील्ड पर थे, हमें तो बहुत मुश्किलें दिखाई दी, एक महिला थी, एक महिला पूरे लोगों के बीच में रह के किस तरीके से काम करती है ये हमने आज तो देखा, उसी के साथ बहुत सारे लोगों का अपोज भी हमें इनके लिए देखने मिला, साथ ही बहुत लोग खुश भी थे इनके काम से, जिस तरीके से मैडम कर रहे हैं काम, लगता है कि हमारी अमरावती स्वच्छ और सुंदर होने के मार्ग पर है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज़, धन्यवाद।